नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना लाइफ डॉट न्यूज। आज अहले सुबह उत्तर बिहार के कई जिलों में आई कुदरती कहर ने अपने तांडव से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारी आंधी तूफान के बीच गरज के साथ वर्षा एवं व्यापक ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तूफान में कितने घर के छप्पर उड़ गए एवं खपरेल मकान भारी ओलावृष्टि से चकनाचूर हो गया। रबी फसल इस तरह बर्बाद हुआ कि किसान निराशापूर्वक अपने आप को लूटे हुए महसूस करने लगे। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा कि शाम तक पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी में गरज के साथ भारी वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए पीड़ित परिवारों के लिए सरकार क्या साधन मुहैया कराती है एवं मौसम विभाग ने जारी अलर्ट के अनुसार अगर आपदा आती है तो सरकार इस आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार कितना तैयार है देखना है। विगत 10 दिनों में उत्तर बिहार में यह तीसरी ओलावृष्टि है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ की हालात क्या होगी। इससे हुई क्षति का कोई सरकारी आकलन अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि इस आपदा के शिकार हुए परिवारों को आपदा प्रबंधन की ओर से अविलंब राहत मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण वह परिवार आज खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हैं। उनके बच्चे की आज रात किस तरह बीतेगी वो वही समझेंगे। वरीय प्राधिकारी के यहाँ वो दर दर ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी सुनने वाले नहीं है। इधर मौसम विभाग ताबड़तोड़ अलर्ट जारी कर रही है कि इस तरह की आपदा और भी आ सकती है। अगर सरकार की यह व्यवस्था रही तो आम जन को भारी क्षति उठाना पड़ सकता है। कारण कि जिस प्रकार सरकारी व्यवस्था चल रही है, जो पीड़ित व्यक्ति को कुछ मिल नहीं पा रहा है और वज्रपात थमने की नाम नहीं ले रही है। आप ही बता सकते हैं कि 10 दिन के अंदर 3-3 ओलावृष्टि हो जाना किसानों के ऊपर यह कितना बड़ा प्राकृतिक जुर्म है, जिसे वह सहन करके किस तरह अपनी जीवन बिताएंगे। सरकार के इस रवैये से नाखुश लोग भटक रहे हैं इधर उधर, और अभी पूरा मौसम में कितनी ओलावृष्टि आएगी यह देखना बाकी है, क्योंकि अभी तो मौसम की शुरुआत ही हुई है। आगे किस किस तरह की आंधी तूफान ओलावृष्टि आएगी और इसे किस तरह किसान झेलेंगे सहेंगे और सरकार इसमें कितने खरा उतरती है वह देखा जाएगा समय आने पर, क्योंकि अभी तो मौसम शुरू ही हुई है। अभी आगे मई जून का मौसम जो भारी आंधी तूफान का होता है वो अभी आना बाकी है। इसी तरह देखते रहिए और आप बने रहिए अपना लाइफ के साथ। आगे हम आपके साथ आएंगे अगले खबर के लेकर।